था, उन्हें एकदम जिसे हम कहें कि उनका व्याख्यान बिल्कुल तट का व्याख्यान था, जैसे बस अभी अभी जो है मठे हुए मठे के ऊपर या दही के ऊपर से उन्होंने ताजा मक्खन निकाला। मीडिया नैरेटिव सेट भी करता है और मीडिया सत्ता और प्रतिपक्ष के दिए गए नैरेटिव की एक तरह से कहने की व्याख्या भी करता है, उसे विस्तारित भी करता है, अपना नैरेटिव भी बनाता है। तो ये जो आज का जो युग है नैरेटिव का युग या एजेंडा सेटिंग का है, आप जो तो अमेरिका के जो चुनाव है चाहे इस बार के देखे या क्लिंटन के जमाने से देखते आ रहे हैं हम लोग, किस तरह से जो है एजेंडा सेटिंग का जो काम है अगर पूरा का पूरा मीडिया के द्वारा किया जाता है। सोशल मीडिया की शक्ति अन्य स्थानों पर तो हमने देखी ही है, हमने फेसबुक के माध्यम से उतनी क्रांतियां देखी है दुनिया में, लेकिन अभी अभी हमने एलन मस्क की जो भूमिका है और उसके ट्विटर और ट्विटर एक्स एक्स और स्पेस एक्स की जो भूमिका है उसे अभी अभी ट्रंप के चुनाव में देखा है। तो इससे तो करप्ट होने की संभावनाएं, बिकने की संभावनाएं, सौदेबाजी करने की संभावनाएं सब जगह है, यहां भी है। क्योंकि समस्या वही है कि हम चिल्ला रहे बहुत हैं कि साहब वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन अब सब जगह वसुधैव भाषा रखे भूमंडलीकरण के नाम पर भूमंडीकरण है। आदरणीय ने लोकतंत्र को जीवित रखा है मीडिया ने, बड़ा बड़ा सकारात्मक कर्तव्य कहा अगर जनता की चित्त वृत्ति के विपरीत जाए मीडिया तो जनता उसे अस्वीकृत कर देगी। ये है लोकतंत्र और जनता का संबंध के एक तरफ जन चेतना को जनता की चित्त वृत्ति को प्रभावित करने का काम मीडिया करता है, दूसरी तरफ मीडिया के ऊपर अंकुश रखने का काम भी जनता का है। मेरे हाथ में रिमोट है, मैं रिमोट बंद कर दूंगा तो तुम्हारा चैनल नहीं खुलेगा। काश हम ऐसा कर पाते, चले आगे चले असल में लोगों के खतरे की बात होने के लिए और तारीफ और आलोचना की बड़ी सुंदर बात है कि मीडिया के पक्ष में कि मीडिया बहुत शांति से अपनी तारीफ भी सुनता है, आलोचना भी सुनता है और फिर समालोचना करता है, लेकिन साहित्यकारों के साथ नाटक और आज के संदर्भ के मीडिया का एक काम है समस्या को समझाना। तो ये जो समस्या को समझाना जो है इस बिंदु को हम ध्यान में रख सकते हैं। लोकमंडल की चर्चा की और विदेशिया का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने बड़े संक्षेप में एजुकेशन मीडिया की चुनौती और कहा कि साहब जो चीज मीडिया से या पत्रकारों से छूट जाती है हमें उसे भी पहचानने की जरूरत है। कुछ ऐसे दबाव है जिनके कारण हम एक ही चीज को सुबह से शाम तक 24 घंटे देखते रहते हैं, दूसरी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती है। तो वो जो छूटा हुआ है उसकी तरफ बहुत सुंदर ढंग से डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने ध्यान दिलाया। बीच में डॉक्टर मनोहर पाठक किया है, असल में चाह रहा था कि इस सत्र के अंत में मुझसे पहले या मेरे बाद पाठक जी, क्योंकि जो इस विषय के सबसे कहूँ कि मैं यहाँ पर अधिकारी विद्वान है वो बोलते तो अच्छा लगता,
लेकिन वो बीच में जो एक औपचारिक व्यवधान व्यवधान तो नहीं, लेकिन कुछ उपचार जरूरी होते हैं तो उपचार के वास्ते उन्होंने को आए और अपनी बात उन्होंने इस कार्यक्रम के संबंध में रखी। मैं आकर्षण समझता हूँ कि जिस सत्र की मैं चर्चा कर रहा था उसमें प्रोफेसर पाठक ने दो शब्द कहे। डॉक्टर शारी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन उनकी ज्यादातर बातें मेरे कान तक नहीं पहुंची, क्योंकि ये मीडिया जो है सहयोग नहीं कर रहा था। उन्होंने फिर भी मेरे समझ में आया कि सोशल मीडिया में एआई की भूमिका के संबंध में अपने शोध के निष्कर्षों को जो अब तक उन्हें प्राप्त हुए हैं उनकी चर्चा की। फेसबुक और व्हाट्सएप से उन्होंने किस तरह से पब्लिक ओपिनियन जो है प्रभावित होती है इसे बतलाया और कहा कि उनका शोध बताता है कि शायद विद्यार्थी वर्ग जो है वह माइक्रो ब्लॉगिंग और फेसबुक के द्वारा अपने ओपिनियन बनाने में बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है और फेक न्यूज और उस पर फैक्ट चेक बात उन्होंने की और इस फैक्ट चेक में भी कितने हम सीनियर प्रश्न कैसे हम क्या तलाश करें वो चीजें सामने आएंगी। मैं समझता हूँ उनका जो शोध पत्र है या जो भी शोध है वह बड़े मंच पर यानी अखिल भारतीय स्तर पर जो है प्रसारित हो और वे इस कार्य के लिए यशस्व प्राप्त करें इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर शाही आपका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा पराशर असल में हम लोगों की समस्या यही होती है कि मास्टर लोग ज्यादा बोलते हैं और जब छात्रों को बोलने का नंबर आता है तो हम उन्हें कहते हैं एक मिनट दो मिनट। तो इसका अपराधी मैं भी हूँ। तो पूजा जी ललिता जी आप दोनों जो हैं हमें क्षमा कर दें। आपने पूजा गोरखनाथ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही और नवनाथों के गोरखनाथ का जो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पूरी दो राय नहीं है और यहाँ कर्नाटक में बड़ी मान्यता है गोरखनाथ में और तमिलनाडु में भी उन्होंने यह दर्शाया कि किस प्रकार से जो हमारे आरंभिक जो संत हैं उनमें नाम के अंतर से गोरखनाथ की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो बहुत ही सुंदर आपने अपना पर्चा प्रस्तुत किया, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। क्या और ललिता जी ने महाश्वेता देवी के उपन्यास जंगल के परिवार के माध्यम से बात कही आदिवासी बिरसा मुंडा के आंदोलन की और उन्होंने संकेत किया कि बिरसा मुंडा के आंदोलन ने या उस आंदोलन ने जो जंगल के दावेदार ने चित्रित है मीडिया की क्या भूमिका। तो ये तो साहित्य में मीडिया किस प्रकार से स्वीकृत हो रहा है इसकी बहुत सुंदर प्रस्तुति जो है ललिता जी ने की। ललिता कहाँ है चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने बहुत जोर से बात में अंदरा कह दिया था तो शायद आपको बुरा लग गया हो, ऐसा नहीं है मेरी आवाज वैसे सही है। बैठे हैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद आप दोनों को पूरे मंच की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रद्धे आर के सिंह जी के वक्तव्य पर कुछ कहने के लिए जिसे कहते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी मैं कैसे कुछ कहूँ, बहुत छोटा हूँ उनके समक्ष, लेकिन उन्होंने बड़े जिसे कहने की तरकीब से जबकि वो बोलने के लिए तैयार होकर नहीं आए, आपने उन्हें मंच पर खींच लिया लेकिन उन्होंने बड़ी तरकीब से अपने अनुभव के आधार पर बात हमारे सामने रखी। उन्होंने चार स्तंभों की बात की, उन्होंने पायल होने और सामंजस्यपूर्ण होने का जो मंत्र है जो दिशा जो खतरा और चुनौती कह रहे हैं चुनौती यही है एक बड़ी चुनौती कि साहब आपको पायल होना पड़ता है तो बायस न हो सामंजस्यपूर्ण कैसे रहे ये उन्होंने इशारा किया। बहुत बदल गया है इसे सौ डेढ़ सौ मीडिया इस तरफ उन्होंने इशारा किया, मीडिया और पत्रकारिता के द्वंद की बात उन्होंने की। एक चुनौती बड़ी जो है कोई बायस वाली बात दूसरे शब्दों में निष्पक्षता निष्पक्ष बने रहने की एक बड़ी चुनौती है और समस्या वही है कि निष्पक्ष बने रहने पर कई बार खतरे भी होते हैं।
लेकिन याद तो रखना पड़ेगा कि गूंगा तमाश क्यों बना, कमलेश जी गूंगा तमाश क्यों बना, क्यों खड़ा है तू, तेरी कलम कलम जो युग की जुबान है, तेरी कलम कलम जो युग की जुबान है। तो पत्रकारिता के सम्मान और मानदंडों को कहा, यदि पत्रकारिता का सम्मान घट रहा है तो उसका कारण है कि उसके मानदंड खिसक रहे हैं। यदि आपको सम्मान चाहिए तो मानदंडों को पकड़ के रखना पड़ेगा, और अगर मानदंड को पकड़ के रखेंगे तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। बोला कभी, मीडिया कह रहा है बोला कभी तो बोल की मुझको सजा मिली, बोला और गायन तो मैंने आपकी प्रशस्तियां मगर, गायन तो मैंने आपकी प्रशस्तियां मगर, बदले में सीधी लीटी उनको सदा मिली, बदले में सीधी लीटी उनको सदा मिली। तो चुनौती सबसे बड़ी यही है कि हम अपनी रीढ़ सीधी रख सके, और यह जो जो सीधी रीढ़ रखते हैं वो खतरे दिखाते हैं, खतरे दिखाने भी पड़ेंगे। और निश्चय हमारा मीडिया अपने ढंग से चाहे हमारा साहित्य हो, चाहे हमारा मीडिया पत्रकारिता या जो भी सोशल मीडिया तक चीजें हैं, दोनों तरह की प्रवृत्तियां सदा नहीं है, सदा रहे, लेकिन निराश और हताश होने वाली कोई बात नहीं है। इस देश में बहुत 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 जागरूक लोग हैं। मैं इसी के साथ इस सत्र का बहुत सुंदर संचालन करने के लिए डॉक्टर पूरम गंगा नेता को हार्दिक बधाई और आशीर्वाद देता हूँ, तथा इस पूरे कार्यक्रम के सुधार परम आदरणीय आदरणीय सर कमलेश भट्ट कमल जी को विनम्र प्रणाम करता हूँ। मुझसे जो वाचा होता हुई उसे सुना।